अमित शाह बोले हैं कि मोदी ये 17 घंटे काम करते हैं देश आज कह दो मत करो यार, तुम 17 घंटे काम करो साला, देश बिक रहा है और कर दोगे तो गुलामे हो जाएंगे हम, कुछ ना बचेगा। ना करो भैया, एहसान कर दो हम लोगों के ऊपर, हमें पुराने दिन दे दो, वो साले बहुत खराब दिन थे ना। अच्छे दिन नहीं आए अपने, ले जाओ महाराज, नहीं आए अच्छे दिन। तो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। कोई बेमिसाल नहीं है, सब बेहाल है, 9 साल पूरा बेहाल। पाकिस्तान का टमाटर 80 रुपए किलो था तो सारे मीडिया वाले विधवा हो गए थे, सब माइक लेके विधवा विलाप कर रहे थे। साला 260 रुपए तक का टमाटर चला गया था, कोई एक मरा। तो अब साले बताने लगे कि टमाटर खाने के नुकसान क्या हैं। मजबूत ऑप्शन लेके आइए, आदमी बदल जाएगा। बदल जाएगा ऑप्शन है, इंडिया आया है ना, मजबूत ऑप्शन बन के इंडिया के सामने इंडिया आया है। घंटा है, कुछ नहीं इंडिया, कुछ नहीं है। आप शशि थरूर को बनाइए, हम दे शशि थरूर जी, बहुत बड़े फैन लगते हैं शशि थरूर के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही चुनावी जो पारा है वो हाई हो रहा है। 24 के चुनाव को लेकर के बीजेपी जहां अपने काम गिना रही है, कह रही है 9 साल दमदार, 9 साल में हमने वो काम करके दिखाया है जो बीजेपी की के साथ जनता आएगी। वहीं विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी या तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के विपक्ष उसको घेरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे, चौराहा है और लखनऊ मौजूद है, लोगों से बातचीत करेंगे, राय जानेंगे क्या माहौल है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अरुण मिश्रा। क्या माहौल है महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, सरकार कह रही है बहुत सब ठीक है? बहुत चरम सीमा पर बढ़ी हुई है हर चीज़। कौन सी चीज़ सस्ती है आज के समय में? देखो टमाटर कितना महंगा हो गया, दालें कितनी महंगी हो गई, सस्ती क्या है? कड़वा तेल लगा के हर चीज़ तो महंगी हुई है, सस्ता क्या है? कुछ तो सस्ता नहीं हमें नज़र आ रहा है। और रही बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है, हर आदमी काम के लिए परेशान है, कोई उसको काम नहीं मिल पा रहा है इस राजधानी में। तो भाई छोटे देशों में क्या होगा, छोटे राज्यों में? काम धाम मिल गया है और रोजगार मिल रहा है और आमदनी दोगुनी हो गई, आमदनी का हाथ दुगनी बढ़ गई। जब काम ही नहीं मिलेगा तो आमदनी का हाथ बढ़ेगी? जब आदमी बेकार घूम रहा है सत्तारी, कोई काम नहीं है उसके पास, तो कहाँ से उसके महंगाई बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी? लखनऊ में खड़े हैं, वहीं पर इन्वेस्टर समिट हुआ और इसी लखनऊ में 93 लाख रोजगार आया, बीजेपी सरकार आंकड़े पेश करती है। वो तो खाली लिखित में है ना, ऐसे दिखाएं किसको दिया है रोजगार? ऑन पेपर है, ऑन पेपर है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे कहाँ है, जमीन पे दिखाएं। अब कम से कम 100 में कम से कम 10 ऐसे होंगे जो बेरोजगार टहल रहे होंगे। कह रहे हैं कि मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ और दिल्ली से जोर लगता है, यूपी का देश का विकास हो रहा है। हमको विकास हो रहा वो अलग है, लेकिन रोजगारी के बारे में तो बिल्कुल जीरो जा रहा है धीरे धीरे। हमें लगता है हम भैया बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमें यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेच सकते हैं आप, ठेली लगा सकते हैं। तो पैसा होना चाहिए ना उसके लिए, जब पैसा होगा तभी तो ठेला लगाएगा आदमी। इसके लिए भी नहीं है और क्या, सरकार कह रही है कुछ नहीं है, जनता खुशहाल है, गरीबों की सरकार है ये। गरीबों की सरकार खाली मुँह पे है, बाकी जमीन पे कहाँ दिख रही है? फ्री का राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है और गरीब बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं और क्या, फ्री का सामान दे के देके और गरीब बना रहे हैं ना। फ्री का राशन नहीं मिलना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना जो मालूम हो जाए। आप तो देखते हैं मोटा चावल बिक रहा है, गली गली के अंदर लोग बेच रहे हैं, कौन गरीब को दे रहे हैं कौन अमीर को दे रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। और लोग बातचीत करते हैं, शुभ नाम आपका? मुन्ना। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गड़बड़ है, सरकार कह रही है माहौल इतना बढ़िया है कि देश तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, गरीब खुशहाल है, रोजगार है, सब ठीक चल रहा है, देश गर्त में चला गया है। हाँ, सिर्फ ये मीडिया में है और कहीं नहीं, जमीन हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया में है। कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। कोई बेमिसाल नहीं है, सब बेहाल है, 9 साल पूरा बेहाल। महाराज मोदी जी 17 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो रैली में भाषण देते हैं, काम करते हैं, विदेशों के दौरे होते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं, वो तो हर प्रधानमंत्री करता है। इन्होंने 9 साल में क्या किया जो आपको अच्छा लगा? सिर्फ एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान इनका अच्छा रहा और कोई कुछ नहीं। फ्री का राशन दे रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, कह रहे हैं लाइट 24 घंटे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, आयुष्मान योजना का भी है पूरा एक ही नंबर पे, आपको तो पता होगा 8-8 लाख तक इतना भ्रष्टाचार आ ही नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार जीरो है सरकार में, भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं है, भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सब दबा दिया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित है क्या? अब आप देख ही रहे हैं मणिपुर में भी क्या हो रहा है, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। मणिपुर के मामले में देश के प्रधानमंत्री बोलने से भागते रहे, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो कुछ आ करके थोड़ा बहुत बोल गए। हाँ, 2 मिनट कुछ सेकंड, चंद सेकंड बोले थे।
राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं आप ये बताइए? इस समय राहुल गांधी बेहतर है, बेहतर हैं। राहुल गांधी किसानों से मिलना हो, नौजवानों से मिलना हो, मोटर मैकेनिक से, युवाओं से, अभी एक सब्जी में फल बेचते थे, टमाटर बेचते थे, उनसे मिले हैं। लगता है राहुल गांधी अब कुछ कांग्रेस के लिए ठीक कर पाएंगे 24 में? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। बीजेपी को लोग कहते हैं वो पप्पू हैं, वो कुछ नहीं करते, उनकी बातों का भरोसा नहीं। मीडिया द्वारा फैलाया गया है वो आलू से सोना, मोदी जी ने कहा, मीडिया ने कभी खंडन नहीं किया। किसी भी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता बोल जाते थे, किसी ने खंडन किया ये मोदी जी ने कहा था, तो ये सब मीडिया की मिलीभगत है और कोई माहौल नहीं है बीजेपी के लिए। माहौल तो है ही। 24 में चुनाव होगा तो क्या लगता है, बदलाव होगा या इसके आप बीजेपी के साथ? बदलाव की पूरी संभावना है, 24 में बदलाव है, पूरी संभावना है। सब नाम आपका भी है? ओम प्रकाश पांडे। माहौल है? माहौल सर है क्या, कोई है ऑप्शन दूसरा? मजबूत ऑप्शन लेके आइए, आदमी बदल जाएगा, बदल जाएगा। ऑप्शन है, इंडिया आया है ना, मजबूत ऑप्शन बन के इंडिया के सामने इंडिया आया है। घंटा है, कुछ नहीं इंडिया, कुछ नहीं है। अब इंडिया के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेके ऑप्शन बताइए, एक नाम बताइए, किसके किसको चुनाव चुने बताइए आप हमको। ऑप्शन क्या है, एजेंडा क्या है, खाली मोदी विरोध? मोदी विरोध की बात नहीं है, महंगाई वो विपक्ष कह रहा है। मैं भी मोदी से बहुत त्रस्त हूँ, त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त हूँ। एजेंडा बताइए। वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई, हाँ वो लोग कह रहे हैं ना, अखिलेश जी से सवाल पूछा गया कैसे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा महंगाई कम है कि लेफ्ट के वहाँ ममता की सरकार में महंगाई कम। महंगाई कम कहाँ है सर, महंगाई कोई कम कर पाया है अभी तक? मैं बहुत त्रस्त हूँ इनसे। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ये है, अगर आपको नौजवान प्रधानमंत्री चाहिए वो है, अनुभव वाला चाहिए वो है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि महिला चाहिए वो है, हर तरह के प्रधानमंत्री हैं इंडिया के पास, एनडीए के पास केवल मोदी चेहरा है और कोई नहीं है। बताइए ना, ऑप्शन बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप बीजेपी से त्रस्त हैं तो आप अपनी राय बताइए कि आपको कौन चाहिए, आप ही तो बताइए, कुछ मुझे ये चाहिए आप बताइए फिर। हम बीजेपी से बहुत त्रस्त हैं लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? जाहिर सी बात है, जाना पड़ेगा, हो सकता वोट ना देने जाएं, इतने त्रस्त हैं, मजबूरी है, बिल्कुल है, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इंडिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो? कौन है बताइए, शशि थरूर को आप लाइए, मैं हूँ इंडिया के साथ। शशि थरूर जी, शशि थरूर को बनाइए ऑप्शन, मैं हूँ। शशि थरूर प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो आप आ जाएंगे इंडिया के? आ जाएंगे। ऐसा क्या है उनमें भाई? काबिल आदमी है, काबिल आदमी है। नीतीश कुमार काबिल नहीं है, अखिलेश नहीं है, राहुल नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। शशि थरूर ऑप्शन है, बिल्कुल। महंगाई है? बिल्कुल है। बेरोजगारी? बिल्कुल है। सब है। किस प्रदेश में रोजगार मिला है बताइए तो? अरे आपके यूपी में 93 लाख इन्वेस्टर सबमिट होता है रोजगार, घर 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 रोजगार। बिहार में 10 लाख के लिए आए थे, कितना रोजगार दिए? क्या हो रही है वहाँ पे टी शर्ट्स की? कांग्रेस में कितने रोजगार मिले बताइए तो? हिमाचल प्रदेश में मिले कहाँ रोजगार है? किसी के पास है? किसी के पास कोई रोडमैप है? हर शिक्षा भर्ती घोटाले में हर जगह घोटाला हो रहा है, गुजरात में घोटाला हो रहा है, यूपी में घोटाला हो रहा है, पंजाब में घोटाला हो रहा है, हर जगह घोटाला हो रहा है। जनता कहाँ जाएगी फिर? जनता अपने हिसाब से जिएगी, जिसको जैसे जीना जिएगा। 24 में बदलाव लगता है कि क्या लगता है आपको? भैया बदल जाए तो भी बढ़िया है, ना बदले तो भी बढ़िया है, हमें दोनों बढ़िया। हाँ सब बढ़िया है। आप शशि थरूर को बनाइए, हम दे शशि थरूर जी, बहुत बड़े फैन लगते हैं शशि थरूर के, और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। शुभ नाम आपका? शिव कुमार यादव। क्या माहौल है? माहौल तो भाई सब बताए, वो तो कह रहे हैं कि मैं खुश भी हूँ, नाराज भी हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। अरे अब देखिए, ये क्या कह रहे थे अभी कि शशि थरूर इनकी पसंद है ना? तो ये सही कह रहे हैं कि शशि थरूर काबिल हैं। अगर इनको नरेंद्र मोदी पसंद हैं तो जाहिर सी बात, मैं तो नरेंद्र मोदी से 1 लाख गुना काबिल समझता हूँ शशि थरूर को, तब उस जगह पे ये सही हैं। हाँ वो इनकी पसंद है भाई, उससे बेहतर तो नाम इन्होंने सुझाया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक आया ही नहीं, तेजस्वी ओजस्वी। यार भाई देश बिक रहा है, सेल बिक गया, भेल बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट्स बिक गए, तो कहाँ प्रधानमंत्री आया? अभी तक के प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकरण करते थे, ये प्रधानमंत्री निजीकरण के नाम पे बेच रहा है, तो अभी तक इस सब ऐसा प्रधानमंत्री आया कहाँ? जो कहता था मैं गरीब का बेटा हूँ, बर्तन मांजने वाले का बेटा हूँ, बर्तन मांजने वालों के वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को मैं प्लेन की सफ़र करवाऊँगा, फलाना करूँगा, वो चप्पल तक खींच लिया उसने।
सफाई कर्मियों का पैर धोके उन लोगों के खाने के लाले पड़ गए, उनकी नौकरियां चली गई जिनके पैर उसने धोए। 17 घंटे काम कर रहे हैं, अमित शाह बोले हैं कि मोदी ये 17 घंटे काम करते हैं देश हित। आज कह दो मत करो यार, तुम 17 घंटे काम कर रहे हो साला, देश बिक रहा है, और कर दोगे तो गुलामे हो जाएंगे हम, कुछ ना बचेगा। ना करो भैया, एहसान कर दो हम लोगों के ऊपर, हमें पुराने दिन दे दो, वो साले बहुत खराब दिन थे ना। अच्छे दिन नहीं आए अपने, ले जाओ महाराज, नहीं आए अच्छे दिन। तो 450 की गैस थी, पूछ लो ये ठेले पे लोग बैठे हैं, आज घरेलू गैस 1250 की मिल रही है, इनसे पूछ लो ये तो कमर्शियल यूज कर रहे हो, कितने की मिल, कमाई बढ़ गई है क्या, ये ठेले लगा रहे हैं यही तो कमाई बढ़ गई, रोजगार के नाम पे ठेले बढ़ गए। आने वाले दिन में मुझे लगता है हर घर के सामने ठेले होंगे, कौन खाएगा, खुद पकाओगे, खुद खाओगे, खुद तलोगे, उसके बाद जेसीबी चल जाती है, नगर निगम के कर्मचारी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री चिल्ला कहता स्वरोजगार करो और उनको रोड से भगा दिया जाता है, तो तुम पक्की दुकानें दो ना गरीबों को, खाली गाल बजाने से देश चलता है क्या? ये तो मुझे लगता है साउथ इंडिया की रात भर मूवी अमित शाह और नरेंद्र मोदी देखते हैं, सुबह उठ के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, मूवी देखो साउथ की। कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, 370 हटाया, युवाओं को रोजगार दिया। चलिए 370 पे मैं, ठीक है अच्छा किया इन्होंने, लेकिन 370 का लाभ मिला, बड़े प्लाट लोग खरीद रहे थे, आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई। अरे छोड़ो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई, आरटीआई डाल का जवाब देने से सरकार ने क्यों मना कर दिया? अगर सरकार इतनी सच्ची अच्छी थी तो चुनाव आयोग में CGI की दखल को क्यों खत्म किया गया? क्योंकि इनको डर था CGI कहीं ऐसा ना हो उल्टा हमारे ऊपर चाबुक चला दे, हम अपने मन के आदमी को इलेक्शन कमीशन का चीफ ना बना पाए, तो CGI घटा दिया। चोर हैं ये सब, धूर्त हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। 24 में क्या लगता है कि इंडिया एक साथ आया है, वहाँ पर 24 दल हैं, 125 करोड़ मूर्खों का देश है, ठीक, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको मंदिर चाहिए, इनको धारा 370 चाहिए, है ना, इनको मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चाहिए, चलवाओ बुलडोजर। लोग तो प्लाट खरीद रहे थे वहाँ जम्मू कश्मीर में, कह जाने प्लाट खरीदे, मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे थे, कैठे बहू बनाए, ये भेड़ चाल वालों वाला देश है, यहाँ कुएं में एक गिरा तो सब गिर जाएंगे। एक मूर्ख नहीं कहता है कि किसी नेता का लड़का क्यों नहीं नारा लगाता हिंदुत्व के नाम पे, क्यों नहीं कांवड़ यात्रा लेके चलता है, हैं, नेताओं के लड़के देश की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का लड़का कहाँ से LLM करके आया है, Top 10 यूनिवर्सिटियों से करके उनके बच्चे आ रहे हैं। अभी ये कुमार विश्वास की बेटी आई लंदन में, कुमार विश्वास की बेटी ने देश का नाम रोशन किया, परचम फहराया, उसको क्या परचम फहराना कहते हैं, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो, तुम टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कहीं तुम्हारा नाम नहीं है, तुम शिक्षा की बात करो। तुम्हारे इस देश का OBC SC ST समाज मूर्ख है, इस नहीं मूर्ख नहीं है, वो इस बात में लगा है कि कैसे हिंदुत्व मजबूत हो जाए, वो ढूंढ रहा है कि कौन से मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर छुपा हुआ है, कौन से मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है, मंदिर के नीचे मस्जिद है, इसमें लगा हुआ है वो, क्या दिक्कत है आपको? तो भाई मंदिर के नीचे मस्जिद है कि गुरुद्वारा है कि वो बौद्धिस्टों का बौद्ध स्तूप है, इसके लिए तुम सार्वजनिक रूप से जब खुदाई करवाते हो तो पब्लिक को भी देखने का मौका दो, लाइव टेलीकास्ट करवाओ उसका। क्यों राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ खुदाइयाँ क्यों रुक गई, क्यों टीमें हटा दी गई, वहाँ पे तो बौद्ध स्तूप बौद्ध के वो प्रमाण मिलना शुरू हो गए थे, गौतम बुद्ध के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, तो अब कहो ना कि वहाँ गौतम बुद्ध थे, खुल के कहो अगर हैसियत है तो, नहीं कहोगे क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे ही तुम्हें सत्ता में आना है, तुम धर्म के भेड़िए हो, तुम्हें धर्म के नाम पे लोगों के वोट लेने हैं, दुनिया मरे लोग उससे कोई मतलब नहीं है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो तुम्हें पता है, चाइना में क्या हो रहा है वो तुम्हें पता है, पाकिस्तान का टमाटर 80 रुपये किलो था तो सारे मीडिया वाले विधवा हो गए थे, सब माइक लेके विधवा विलाप कर रहे थे, साला 260 रुपये तक का टमाटर चला गया था, कोई एक मरा तो अब साले बताने लगे कि टमाटर खाने के नुकसान क्या हैं, टमाटर पहले जहर माना जाता था, तो इतने तो धूर्त हैं साले, 11,000 करोड़ भारत सरकार हर साल खर्चा कर रही है इन धूर्तों को झूठ बोलने के लिए। इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्ष मांग कर रहा है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, विपक्ष नहीं, जिस देश में जानवरों की जनगणना होती है, गाय भैंसों की गणना हो रही है, बकरियों की गणना हो रही है, मुर्गियों की गणना हो रही है, तो इंसान की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना फलाने बैकवर्ड का हक खा लिया, फलाने दलितों का हक खा लिया, अरे सब मिल के आओ ना, अगर तुम लोग ईमानदार हो, बेईमान नहीं हो, तुम लोग भ्रष्ट नहीं हो, तुम लोग संघी नहीं हो, तुम लोग
धूर्त नहीं हो तो सब लोग सामने आओ और कहो कि जातिगत जनगणना हो जाए, पता चल जाए किसके पास कितना हिस्सा है, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं। तो कहते हैं जातिवाद हो जाएगा। जातिवाद नहीं हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन हड़प के बैठा है हजारों साल से, लोगों के हक अधिकारों पे किसने कब्जा कर रखा है, और आप कह रहे हैं जातिवाद हो जाएगा। जातिवाद वहाँ होता है मालूम है, हिंदू तो कहाँ मजबूत होता है, जब चुनाव में वोट लेना होता तो हिंदुत्व को मजबूत करना है, जब मुस्लिमों को बदनाम करना तो हिंदू तो मजबूत करना है, लेकिन तुम रोजगार मांग के देखो तुमको लाठी से मार के भगा दिया जाएगा, तुमको चमरा हीरा और कोयरी कह के भगा दिया जाएगा, ठीक है, तब वो हिंदू बनाम वो नहीं होता, मालूम क्या कहता है, दलित बनाम सवर्ण, दलित बनाम ब्राह्मण, दलित बनाम यादव, फलाने ढिमकाने। तो बीजेपी के बाद सब नेता तो हैं आपके, केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो अपने अपने समाज के दलाल हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हो बताइए, सितारू की जनता ने भगा दिया, हरा के भगा दिया, अपने रिश्तेदार को लाठी खाने से मार खाने से बचा नहीं पाया हमारा डिप्टी सीएम, उसके रिश्तेदार मारे जा रहे रोडों पे, वो उस पे चू नहीं बोल रहा है, तो अपने देश अपने समाज के लोगों का क्या भला करेगा जो अपने रिश्तेदार को नहीं बचा पाया। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद नहीं, वो तो क्या नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ भेज रहे, तो दोगला हो ही गया, अब वो तेगला होगा, दो चार छः दस बाप की औलाद हो जाएगा, ऐसे लोगों को क्या विश्वास करना, ऐसे लोग सत्ता की मलाई खाना चाहते, वो सोचे यहाँ आए ये सरकार बनेगी, बाई चांस सरकार नहीं बनी तो मंत्री पद तो मिलना नहीं था विपक्ष में रह के, नॉर्मल से विधायक होते तुम मलाई मिल ना पाती, विधायक निधि इधर उधर बांटते उसी से काम चलता, शायद पार्टी बड़ी हो गई, डीजल पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल पा रहा था, वहाँ 100-200 करोड़ का वापर हो गया होगा, चले गए मंत्री बनने गए थे बेचारे, मंत्री भी नहीं बन पाए। आखिरी सवाल, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा किया, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, उसके बाद से वो फिर किसानों से मिलना हो, नौजवानों से मिलना हो, तमाम एक अलग छवि लेकर के सड़क पर उतर करके जन आंदोलन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कितना बड़ा फायदा होगा 24 में कांग्रेस को और राहुल गांधी को? 24 में फायदा होगा कांग्रेस को, दक्षिण भारत में अच्छा फायदा हो रहा है, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश बिहार या पूर्वी भारत में भी यात्रा करनी चाहिए, फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, भाई जो सड़क पर रहेगा संघर्ष करेगा उसको लाभ होना ही होना है, उसमें कौन सी कहने की बात है, आप संघर्ष करेंगे आप अपनी बातें कहेंगे, आप उनका वो घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसने दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी और सवर्ण सबके लिए उसके घोषणा पत्र में है। आप इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? भाई मैं उसके साथ हूँ जो जातिवार जनगणना करवाएगा, और जो करवा रहा है उसका नाम बताओ, मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी तो नहीं करवा रही है? बीजेपी नहीं करवा रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, नहीं होगी तो मैं वोट नहीं करूँगा, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं विरोध करता हूँ ऐसी सरकार का। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इनसे बातचीत हुई, 24 के चुनाव को लेकर के माहौल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24 का चुनाव और ख़ासतौर से यूपी में माहौल जानना बहुत ज़रूरी है, यूपी की लोकसभा की 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो यूपी का रास्ता आपको दिल्ली पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं बनारस से सांसद हैं और यूपी प्रधानमंत्री देने के लिए जाना जाता है, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया 24 के चुनाव को लेकर के, आपके मन में कोई सवाल हो या तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, महिला सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगारी या मणिपुर का मुद्दा हो, सबको लेकर के जो भी राय होगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम आपका उसका जवाब देंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए नमस्कार।